हथेली में सात पर्वत होते हैं। ये सात पर्वत सात ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथ का बड़ा हुआ मांस पिंड करतल पर पर्वत के स्वरूप को धारण करता है। करतल पर पूर्ण विकसित पर्वत व्यक्ति के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। अघोगत पर्वत व्यक्ति के उच्च गुणों को संकुचित करता है। गुरु पर्वत, गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे होता है। पूर्ण विकसित गुरु पर्वत वाले व्यक्ति लोक नेतृत्व की आकांक्षा नीति से पूर्ण एवं स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शासन एवं नेतृत्व में कुशल होते हैं। विकसित गुरु पर्वत व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। यह लोग धन से अधिक अपने ओहदे को महत्व देते हैं। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। यह लोग कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। ऐसे लोग अनेक तरह के व्यंजन खाने के शौकीन भी होते हैं और अपने परिवार से मोह करते हैं। अधिक विकसित गुरु पर्वत व्यक्ति को अहंकारी, दिखावटी, क्रूर और ईर्ष्यालु बनाता है। ऐसे लोग अधिक खर्चीले होते हैं। यदि गुरु पर्वत अर्ध विकसित हो तो व्यक्ति में गुरु संबंधित बुनियादी प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। शनि पर्वत, शनि पर्वत मध्यमा उंगली से नीचे होता है। शनि पर्वत दार्शनिक विचारों को दर्शाता है। यह पर्वत पूर्ण विकसित होने पर व्यक्ति ज्ञानी, गंभीर एवं विचारशील होता है। वह सोच विचार कर कुछ कार्य प्रारंभ करता है एवं उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। मंगल पर्वत, मंगल पर्वत के दो स्थान हैं। पहला स्थान जीवन रेखा के ऊपरी स्थान के नीचे एवं दूसरा इसके विपरीत हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा के बीच के स्थान में स्थित है। पहला स्थान शारीरिक अवस्था तथा दूसरा स्थान मानसिक अवस्था का द्योतक है। साहस, बल एवं शक्ति आदि का आंकलन प्रथम पर्वत से होता है। यदि मंगल का प्रथम क्षेत्र सुंदर एवं उन्नत हो तो व्यक्ति सेना में या इसी प्रकार के उच्च पद पर आसीन होता है। वह एक सफल अधिकारी सिद्ध होता है। दूसरे पर्वत से व्यक्ति के धैर्य, शौर्य, संयम, क्षमा आदि गुणों का पता चलता है। पहला पर्वत शारीरिक क्षमता एवं दूसरा पर्वत मानसिक क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्ध पर्वत, बुद्ध पर्वत कनिष्ठका के नीचे होता है। बुद्ध पर्वत पूर्ण उन्नत होने पर व्यक्ति प्रखर बुद्धि, गंभीर विचार, आकर्षण भाषण एवं लेखन शैली का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय एवं विज्ञान क्षेत्रों में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक शक्तिशाली कार्य क्षेत्र में विजयी होता है। चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत हाथ में बुद्ध पर्वत के नीचे चंद्र पर्वत स्थित होता है। चंद्र पर्वत पूर्णतः उन्नत होने पर व्यक्ति बहुत गुणवान एवं कल्पनाशील होते हैं। कल्पना के द्वारा ही अपनी प्रतिभा को नई दिशा देते हैं। ये लोग संगीत, काव्य, वस्तु आदि में प्रवीण होते हैं। ऐसे लोग विपरीत स्थितियों को भी अनुकूल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। पूर्ण विकसित चंद्र पर्वत व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है। शुक्र पर्वत, हथेली पर अंगूठे के आधार पर स्थित पर्वत शुक्र पर्वत कहलाता है। यह अनुग्रह, आकर्षण, वासना और सौंदर्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है। यह प्रेम और सहर्ष की इच्छा और सौंदर्य की हर रूप में पूजा करने को भी दर्शाता है। अति विकसित शुक्र पर्वत लोगों को सुंदर और विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित करता है। मित्रों का साथ इन्हें बहुत पसंद होता है। अच्छे कपड़े एवं अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। शुक्र पर्वत सामान्यतः उच्च गुणों का बोधक है। इसे स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि मनोभावों का ज्ञान होता है। अतः इस पर्वत का अत्यधिक उन्नत होने पर व्यक्ति विलासी, कामी और व्यभिचारी भी हो सकता है। हर्षल पर्वत, हर्षल पर्वत हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य स्थित होता है। शनि उंगली की सीध में नीचे स्थित होता है। शनि पर्वत के नीचे होने से शनि के गुणों का समावेश होता है। हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा के मध्य स्थित होने से दिल व दिमाग का संबंध होता है। यदि हर्षल पर्वत सामान्य विकसित है तो व्यक्ति की तकनीकी कार्यों से धन की अर्जन करने की संभावनाएं बनती हैं। यदि पर्वत विकसित और निर्दोष या शुभ चिन्ह युक्त है तो तेजी से उन्नति करते हैं, खूब धन अर्जन करते हैं। सामान्य चिन्ह युक्त है तो मशीनरी वाली नौकरी करके खूब धन अर्जित करते हैं। सूर्य पर्वत, अनाबिंगा उंगली के मूल में तथा हृदय रेखा के ऊपर का भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। यदि सूर्य पर्वत विकसित है तो सफलता का सूचक है। हाथ में सूर्य पर्वत का ना होना व्यक्ति के लिए साधारण स्थिति व उपेक्षित जीवन का परिचय हो जाता है। सूर्य पर्वत का विकास ही मनुष्य को प्रतिभावान और यशस्वी बनाता है। सूर्य पर्वत यदि पूर्ण रूप उन्नत, विकसित तथा अभायुक्त हो तो ऐसे जातक उच्च स्थान पर पहुंचने वाले होते हैं।
ऐसे जातक हसमुख तथा मित्रों में घुल मिलकर चलने वाले होते हैं। ऐसे जातक विख्यात होकर जन साधारण में लोकप्रिय होते हैं। ये व्यक्ति सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यशस्वी चित्रकार भी होते हैं। इनमें प्रतिभा जन्मजात होती है। व्यवहारिक दृष्टि से ये ईमानदार एवं वैभवशाली जीवन जीने के इच्छुक होते हैं। ऐसे जातक सफल व्यापारी एवं उत्तम आय वाले होते हैं। जिस पुरुष के दाहिने हाथ में सातों ग्रह के पर्वतों में से दो पर्वत बलवान हों और इनसे संबंधित रेखा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।